अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रोज़ स्पेशल में आपका मेज़बान नदीम शाह क्वेटा शहर से हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सस्ता बाज़ार क्वेटा में। इस वक्त हम जाते हैं सस्ता बाज़ार, आपको दिखाएंगे सस्ता बाज़ार में जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पे रश क्यों नहीं है और सस्ता बाज़ार में क्वालिटी कैसी है, लोगों से इस हवाले से तसरात लेते हैं। सस्ता बाज़ार भी हम आपको दिखाएँगे, फिर जाएँगे बाहर जो महंगा बाज़ार है वहाँ पर क्या रेट है। इस वक्त हम आपको सस्ता बाज़ार के विज़िट कराएंगे और लोगों से इस हवाले से तासुरात लेंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी इस वक्त फूड सुपरवाइज़र मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ये अट्ठे के हवाले से पूछेंगे जो सरकारी रेट पे दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रेट है अट्ठे का? जी ये न्याज काकड़ मेरा नाम है, मेरा ताल्लुक फूड से है, मैं सुपरवाइज़र हूँ। और अट्ठा हमारे पास जो है ना 2400 रुपये का 20 किलो तेल है। ये गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं? जी ये गवर्नमेंट के उजराला की अदायत। क्वालिटी कैसी है? ज़बरदस्त क्वालिटी है। ये हमारा तीसरा दिन है जो ये गाड़ी आ रही है इस मिल की, जो पहले दिन ले गया वही बंदा आ रहा है कि दो तेला आज और दे, पहले ट्राई के लिए लोग ले गए। बाज़ार में क्या रेट है इसका? बाज़ार में पहले 2900 था, अभी 2800 के आस पास है। तो क्या फर्क पड़ा, 2400 का डिफरेंस है? मतलब गरीब के लिए नहीं, तो कुछ नहीं, तो सब्सिडी नहीं मिल रहा है, ये सब्सिडी का नहीं है। अच्छा ये वैसे है? बिल्कुल फूड डिपार्टमेंट, बिल्कुल फूड डिपार्टमेंट दे रहे हैं। कौन है डीजी आप लोग? जफर अली गोया साहब। नहीं बाजे किधर गए? वो फूड अथॉरिटी में है डीजी। फूड अथॉरिटी में। तो डेली कितना बोरिया आप भेज देते हो? ये हम पोजिशन को देखते हैं, अभी लास्ट डेट से पहले के लोगों के पास पैसा नहीं होता है, अभी 200 बैग्स ला रहे हैं, उससे पहले हम 300 बैग्स ला रहे थे, फिर पहली के बाद फिर 300 बैग्स ला रहे हैं। ये सस्ता बाज़ार में रश क्यों नहीं है? सर आप जो फूड से रिलेटेड है वो सवाल मुझसे कर सकते हैं? नहीं वैसे आपसे सवाल मैंने ये पूछना है कि रश क्यों नहीं है। सर ये तो सब्सिडी इस पर नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? मंजूर अहमद मेरा नाम है जी। सस्ता बाज़ार का चक्कर लगाया आप? जी हाँ, इतनी रश है कि मोटरसाइकिल खड़ा करने की जगह नहीं है, यूटिलिटी स्टोर पर सीढ़ियाँ लगा के लोग सामान ले रहे हैं, इसलिए कि आज वो आया नहीं है, थोड़ा बुखार बुखार हो गया होगा। दूसरा इंतज़ामिया का शॉप खाली है, तमाम शॉप्स खाली हैं। दूध वाले ने कहा मैंने मुर्गियाँ नहला दी हैं, दूध भी नहीं है। गोश्त वाले के पास एक रान टंगी है, दूसरे ने टुकड़े टुकड़े टांग दिए, और हम लोग इधर बहुत ही आला किस्म का बाज़ार समझकर इधर मोटरसाइकिल पर चढ़ के आए थे। आपको भी मुबारक हो, इतना खूबसूरत और बेहतरीन बाज़ार लगा है, मुझे भी मुबारक हो, मेरी मुझे गरीबी मुबारक, आपको आपका मीडिया मुबारक, उनको उनकी तस्वीरें मुबारक। तो बुकची साहब तो दावे कर रहे हैं कि हमने सस्ता बाज़ार खोला है और सस्ता बाज़ार जो गुरबा है उनको रिलीफ मिलेगी। दावा तो मैं भी कर रहा हूँ कि ये जो टेंट लगा है इसके पैसे भी पूरे नहीं हो रहे भाई, ये तो कमाल हो गया। टेंट वाले की मेहरबानी हुई कि उसको या तो मुफ्त में लाए हैं या उसको कुछ रोज़गार लग गया, बाकी तो कुछ नहीं। ये एक ट्रक खड़ा आटे का, आप अंदर जाओ कोई एक शख्स आपको नज़र आ जाए जो सौदा लेने वाला हो। वजह क्या है? वजह वजह कोई सब्सिडी नहीं है, वही टमाटर बाहर भी उतने गए अंदर भी उतने गए, 5 आदमी टमाटर तोलने के लिए रखे हुए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के, बाकी उन्होंने करना क्या है उनकी। हम लोग तो ये समझकर इतनी दूर से मोटरसाइकिल पर आए कि माशाल्लाह यहाँ सस्ताई होगी, आराम से सौदा मिलेगा। भाई मैंने तो एक शरबत की बोतल लेनी थी, यूटिलिटी स्टोर बंद, मैंने दूध लेना था, दूध वाला कहते हैं माफ़ कीजिएगा आज मुर्गियाँ नहला दी हैं कल दूँगा। दूध का क्या रेट है? तो दूध 160 रुपये है। तो सही है ना, 40 रुपये तो रिलीफ मिल रहे हैं। तो मैंने 50 रुपये का पेट्रोल खर्च किया, वापस भी तो जा रहा हूँ, नहीं है। अच्छा पेट्रोल खर्च किया? हाँ तो नहीं है, दूध भी नहीं है, सब्जी भी एक दुकान है, गोश्त वाला भी वो है सूखा गोश्त रख के बैठा हुआ है, रंग आप उसका देखो। तो क्या आपको क्या सब्सिडी है? बस सब्सिडी मिली होगी तो माँ से वह टेंट वाले के फ़ायदे के, किसी और को नहीं मिली। खैर नाजरीन देखते हैं अंदर जाते हैं, आपको सस्ता बाज़ार दिखाएंगे कि सस्ता बाज़ार में रश कितना है और क्या सब्सिडी मिल रही है आवाम। जी इस वक्त हम खड़े हैं सस्ता बाज़ार में, इधर गोश्त तो लटके हुए, सफाई क्यों नहीं है यार, साफ क्यों नहीं करते? सार ख़त्म हो गए। नहीं जो रह गए उस पर मक्खियाँ बैठे हुए। तो ये इस वक्त अभी जाली अभी हमने इससे हटाया। कितना क्या देर रखी जी? अड्डी वाला बगैर अड्डी, अड्डी वाला और बगैर अड्डी वाला। अड्डी वाला जो है 750 रुपये और बगैर अड्डी वाला 850। बड़ा गोश्त है जी? गाय का है या दुम्बे का है? नहीं बैल का है।
बैल के हैं जी, दुम्बे। अच्छा, दुम्बे का गोश्त नहीं देते हो आप? नहीं, दुम्बा तो साथ वाले देते हैं। आप क्यों नहीं दे रहे? तो ये तो हर किसी को अपना अपना वो दिया है ना। डेली कितना केजी निकल जाता है? डेली 60 केजी निकल जाते हैं। रश क्यों नहीं है? रश आज पता नहीं, मार्केट है थोड़ा खाली खाली नजर आ रहा है, इसीलिए रश। नहीं, जब भी हमारी गुजर हुई या फिर रश हमने नहीं देखा। नहीं है तो गोश्त हमने किधर की, सारे बेचे हुए हैं जी। जाते और भी यहाँ पे कोई नजर ही नहीं आ रहा। ये सस्ता बाजार देखते हैं, ये कैसे सस्ता बाजार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है। आपकी ये? मेरा नहीं है, मैं लेने आया हूँ, लेकिन बाजार से खाली इधर सस्ता बाजार में मुर्गी जो एक आवाम को रिलीफ में मिल रहे, बाकी सस्ता बाजार में सारा आवाम को डबल ट्रिपल बल्कि दुगना गुना महंगा दे रहे। कितना का दे रहे के जी ये मुर्गी? मुर्गी ये 570 है, बाजार में 630 है, 60 रुपये का फर्क है। 60 रुपये का फर्क ये। और बाहर जो आप लोग आया अभी, ये मजदा ट्रक खड़ा है आटा वाला, ये बाजार में भी 2400 का, इधर भी ये खड़ा है 2400 का। रश क्यों नहीं है? रश बस लोग अभी बेजारी हो गए भाई, ये सस्ता बाजार के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को, तमाशा मजाक बनाया हुआ है, कुछ भी तो कोई सस्ता बाजार नहीं, कुछ नहीं है। और बाजार में अभी टमाटर मैं आया हूँ 70 है, खीरा अभी बाजार में 40 है, इधर आप जाओ टमाटर 90 है। अभी देखो ये क्या है, गवर्नमेंट अभी एक दिन लगाया, पूछा DC आया, बाकी मजिस्ट्रेट आया, अभी आया, उसके बाद छोड़ दिया है। इस तरह नहीं करना, जब तक रमज़ान चलेगा सरकार को भी चाहिए कि रमज़ान तक आवाम के लिए रिलीफ और इनका कड़ी निगरानी होना चाहिए। जाते ये दूध का भी रेट मालूम करते, क्या रेट है इनका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूध कैसे दे रहे हैं? दूध 160 रुपये। 160, 40 रुपया रिलीफ दे रहे हैं जी। कहाँ? प्योर दूध है? प्योर दूध है। तो कितना लीटर दिन को आप सेल करते? इधर यही 1.5 मन चला जाता है। 1.5 मन जी। रश क्यों नहीं है? तो खाली सारे मार्केट खा गए। वजह? पता नहीं इसका वजह नहीं, क्या वजह है। रिलीफ नहीं इसीलिए? नहीं, रिलीफ तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, नहीं। तब रिलीफ नहीं दे रहे? नहीं, रिलीफ नहीं दे रहे, सिर्फ दूध में 40 रुपये का जी। 40 रुपये दूध का सकता हूँ। वो भी पता नहीं कैसे होगा, मिलावट हो गया? नहीं, दूध का बिल्कुल गारंटी है जी, बिल्कुल गारंटी है। ये रोजे के पहले दिन से रश नहीं है या आज रश नहीं? नहीं, ये तो 3-4 दिनों के इधर अभी कोई आ नहीं रहे। वजह? तो रिलीफ नहीं है ना, मसला ये महंगे हैं जी। महंगे जी। तो फिर ये खर्चा गवर्नमेंट ने किया, टेंट वगैरह लगाए? बस ये गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं, और भी लोगों से पूछते हैं। हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कर रहे हो इधर? मैं बिस्किट सेल कर रहा हूँ। केजी कितना का दे रहे? केजी 500 रुपये। बाजार में कितना? 800 रुपये। ये बेकरी अपनी है? कारखाना अपना है। कारखाना है जी जी। कहाँ पे कारखाना? स्पिनी रोड। स्पिनी रोड पे। तो क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी चेक कर सकते हैं आप? अभी तो रोज़ा है, हम तो चेक नहीं कर सकते, बहरहाल देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कितना का दे रहे हो केजी? केजी 500 का। 500 का। और कैसी है क्वालिटी? क्वालिटी बेहतरीन रखी है। रश क्यों नहीं है? रश तो इधर स्टॉल में नहीं है ना। स्टॉल में क्यों नहीं है रश? पता नहीं है, सारा खाली है। ये 2 दिन हो गए सब्सिडी नहीं मिल रही। हाँ, ये हम पहले भी आए, रश नहीं था। बस काम अच्छा था, अभी नहीं है, अभी थोड़ा सा ढीला हो गया। मतलब यहाँ पे रिलीफ नहीं मिल रही, इसीलिए अच्छा नहीं, वरना रश होता इधर। बाहर देखो, बाहर रश है और इधर रश नहीं। बहुत रश है बाहर, बहुत रश है, इधर नहीं है, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये स्टॉल आपकी? जी, मार्केट कमेटी क्वेटा। कमेटी क्वेटा, मार्केट कमेटी से आप बिलोंग करें? गवर्नमेंट जॉब है आप? जी जी। आप क्या हो? मैं एज एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर यहाँ पे क्या करो जी? रेट देख रहे हो? मैं अभी इनके रेट वगैरह, वो जो है जो खराब वगैरह चीजें होती हैं वो निकाल कर साइड कर देता हूँ। टमाटर कितना का दे रहे? ये 90 रुपए है वहाँ पर उन्होंने रेट में जो है। बायर कितना का है जी? बायर रेट क्या है? बायर भी मैं सुबह जो है हमारे सेक्रेटरी साहब ने, बायर भी 90 रुपया का है। 90 रुपये का था, फिर क्या फर्क है? 100 रुपये का था। नहीं, 90 का है, अभी 90 मैं बताऊंगा बायर। अच्छा सर, वो है क्या फर्क पड़ा 90 का बायर भी है इधर भी? तो इसकी क्वालिटी में फर्क है ना। क्या ये अच्छी क्वालिटी है जी? हमारे कैमरामैन दिखा दें, आप देखें काइंडली। ये जो है ये माशाल्लाह, हाँ ये ग्रेड जो है, ये ग्रेड टमाटो है। अगर आप और भिंडी कितने का दे रहे? पसंद वाली बात है। भिंडी कितने का दे रहे? भिंडी 250 रुपए। वो रेट लिस्ट दिखा दे हमारे कैमरामैन। अच्छा, ये टमाटर जो है 90 रुपए और मटर 80 रुपए, आलू जो है ये 50 रुपए। तो बाहर भी यही रेट है, प्याज 180 रुपए। अच्छा, बाहर 200 के।
अच्छा 20 रुपया रिलीफ मिल रहा है फिर भी सही है, ठीक है। भिंडी 250 रुपया का, 250 रुपया का तो बाहर भी मिल रहे हैं। खीरा जो है 50 रुपया। खीरा कितने का है? खीरा जो है 50 रुपए का है। लोग खीरा के लिए इधर आएंगे? नहीं, काइंडली ये देखे ना, फ्रांस बीन जो है, गोभी जो थी अभी, ये अभी लास्ट में ये अभी खत्म हुई है, ये 120 रुपए। रश क्यों नहीं है? रश काफी सी, काफी रश थी, ये अभी भी ये ग्राहक खड़े हैं, ये ले जा रहे हैं यहाँ से। ये ग्राहक से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे आप? क्या करते हो? मैं मुलाजिम हूँ। किस डिपार्टमेंट? एजुकेशन में। ये रिलीफ मिल गई या नहीं? इतना खास नहीं, बस गुजारा है। गुजारा कितना? बस इतना मामूली, इतना फर्क नहीं है। की चीजें हैं कुछ यहाँ पर, कुछ नहीं मिल रही। देखिए इस तरफ सारा काली काली मैदान, सारे भाग गए, ये बीच में भाग गए, उधर कुछ। क्यों भाग गए? पता नहीं किस वजह से भाग गए। उधर कुछ सामान सस्ता मिल रहा था, लेकिन वो भी जो ना वो चले गए। किस वजह से ये ना सारा प्रोग्राम बढ़ गया, उधर कुछ है ही नहीं। अभी क्या लिया आपने? ये बैंगन है, कुछ मामूली चीजें, हल्की चीजें ली हैं घर के लिए। तो ये सारा कितना का है? ये कितना आपने खर्च किया? ये 2 किलो बैंगन लिया हुआ है, ये 50 का बैंगन दे रहे हैं। बाहर यहाँ पर कुछ कम है रेट, बाहर की नस्बत बाहर से कम। सुनो ना, जो हकीकत बात है, बिस्किट है, बिस्किट सस्ता है, दूध है, गोश्त है, फर्क है बाहर से कुछ किस हद तक। बाकी जो जनरल आइटम है, वो दालें वगैरह, वो तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। सब कुछ जो है ना वो कैमरामैन दिखा दे, ये स्टॉल सारे खाली है। रमज़ान सस्ता बाजार, तमाम अशिया खुर्दनोश बाजार से बारियायत दस्तियाब है। मगर यहाँ पे तो आज दिखा दे आप, ये सारे स्टॉल जो है खाली है, पता नहीं क्यों लोग नहीं आ रहे हैं। अब चीनी भी देखते हैं क्या रेट है चीनी की। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट है चीनी की? चीनी सर 145 रुपये के लिए चल रही है। 145 केजी में कितना रिलीफ मिल रहा है? तकरीबन 15 से 20 रुपये। 15 से 20 रुपये। तो रश क्यों नहीं है? रश तो डेली है, तो प्रॉपर आप अभी 5 मिनट लें, सुबह से 6 घंटे आप आ जाए, आपको नजर आएगा। रश ज़्यादा है? जी जी हाँ, आवाम को रिलीफ मिल रहा है और दर्जों दर्जों आ रहे हैं। सिर्फ चीनी लेने तकरीबन 20 से 15 पार्सल डेली के हमारे से। सरफराज बुक्टी साहब ने कुछ रिलीफ दी? ये रिलीफ होने के लगा हुआ जिले इंतजामिया। नहीं, उनका तो लगा हुआ है, फिर रश हमें नजर नहीं आ रहा, सारे स्टॉल जो है खाली पड़े। नहीं, स्टॉल जिसका जो लगे हुए, तकरीबन आपको सब्जी मिल जाएगी, गोश्त मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा और कुछ चीजें सारी। लोग क्यों गिला कर रहे हैं, बोलते हैं नहीं इधर सस्ता नहीं। बस अभी फिर हमको खुश करना था हमारे इंसान के बस। अम्मा क्या कहती है? अम्मा जी, माजूरिया कार्ड है, कब से मेरे 2 किस्तें दिया है, अभी तक नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? सस्ता बाजार में अम्मा क्या मिल रहा है? आप आई हो यहाँ पे? यहाँ क्या मिलेगा? आटे के लिए पैसा नहीं, कह रहे 2400। तो कितना का होना चाहिए 20 की जी? यहाँ से क्या है, तुम लोगों मदद वहाँ करेगा? अभी वोटों के लिए आया था, अभी तक क्या करेगा? फिर वोट लिया, अभी तक कह रहे थे कौन देगा? वोट किसको दिया माँ? बिलाल। बिलावल को? बेनजीर को। तो क्या जरदारी साहब जो अभी सदर पाकिस्तान है, वो क्या मुल्क के लिए अच्छा है? अच्छा है तो क्यों नहीं अच्छा है? अच्छा ही करेगा, अच्छा ही करे, इसका नहीं करता है तो क्या करेगा? अभी तो कुछ दिन हो गए वो सदर बने, वो अभी पहले भी उसको दिया है, पहले कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? आप क्या कहते हो? सारे पैसे बंद है। कौन सा पैसे बंद? एहसास वाले पैसे अभी तक नहीं मिले, वो नहीं मिले। अभी मजदूरी जो हमारा कार्ड बना हुआ है, अभी तक वो कह रहे थे अभी आएंगे, अभी आएंगे, न मिले, अभी तक नहीं मिले। ये बस अपने बस जेब में डाल रहे हैं सारे। कौन जेब में डाल रहे हैं? ये आवाम जो होते हैं, जो खा रहे हैं, जो ऊपर वाले, जो आवाम या हुक्मरान? हुक्मरान यही समझो जी। सिफारिश करो कोई गरीब की मदद करे, वो सही है, बेहतर है। काम क्या करते हो? मैं मोटरसाइकिल का अभी इधर मजदूरी करता हूँ। तो मजदूरी से कितना होता है दिन का, कितना खर्चा निकलता है? बस 3-4 साल ऐसे गुजारा नहीं होता है, तभी भी ये अभी पूरा हो जाए। मैंने कहा ये कितने का, अभी मालूम हुआ आटे का, इसी वजह से। ये सस्ता बाजार में आप देखे आवारा कुत्ता इस वक्त बैठा हुआ है। स्टॉल तो हमें नजर नहीं आ रही, मगर आवारा कुत्तों का यहाँ पे बहुतात है इस वक्त। आवाम तो बिल्कुल है नहीं, गायक नहीं है, और यहाँ पे आवारा कुत्ते ही फिर रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है, स्टॉल सारे खाली हैं। जाते और भी लोगों से इस हवाले से तासुरात लेते हैं कि सस्ता बाजार में ऐसी क्या वजूहत है जो सस्ता बाजार की तरफ लोग रुख नहीं करते, और रश बिल्कुल है नहीं, स्टॉल सारे खाली हैं। हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? यासर दुरानी। दुरानी साहब क्या करते हो?
गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। सस्ता बाजार में सस्ता बाजार का चक्कर लगाया आपने? जी सस्ता बाजार का चक्कर लगाया। क्या क्या खोया क्या पाया वहाँ? ना कुछ खोया ना पाया। रेट्स वहाँ पे चलें ठीक है, रेट्स कम है लेकिन क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। जो क्वालिटी नहीं थी, क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। रश भी नहीं था, क्या वजह? नहीं है तो इसी वजह से कि वहाँ पे क्वालिटी नहीं है। हर बंदा ये कोशिश करता है कि 10-20 रुपए महंगे ले लें, चीज़ तो कम से कम अच्छी लें। वहाँ तो सारा इधर महंगे बाजार में खड़े, सस्ता बाजार में तो रश नहीं था, महंगे बाजार में फिर भी लोग नजर आ रहे हैं, रौनक है, लोग यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे सामान कोई क्वालिटी नहीं है चीज़ों की। यहाँ पे कैसी है क्वालिटी? यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है आपके सामने। हाँ क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे। क्या खरीदारी की आपने? रेट यहाँ पे 10-20 रुपए महंगे होते हैं लेकिन चीज़ अच्छी होती है। क्या दरख्वास्त करना चाहते हो सरफराज बुक्टी साहब? सरफराज बुक्टी साहब से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि सस्ता बाजार तो आपने लगा दिया लेकिन वहाँ पे क्वालिटी, कोई चेक एंड बैलेंस, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। सस्ता बाजार तो टोटल 4-5 वो जो स्टॉल्स थे वो थे, बाकी सारे मैं यही कह रहा हूँ कि कम से कम कोई चेक एंड बैलेंस हो, उनको देखा जाए कि वहाँ पे क्या हो क्या रहा है। इस तरह तो नहीं कि बस 4-6 रेड़ियाँ लगा के बस सस्ता बाजार लग गया। ट्रैफिक एहलकार मेरे साथ मौजूद है सालिम अहमद भाई। सालिम अहमद भाई, ये रेड़ियाँ यहाँ पे खड़े आप उठाते हो या नहीं? बिल्कुल सर, आप देख रहे हो, सामने देख रहे हो, हम लोग हटाते हैं या आगे जाते हैं, थोड़ा दूसरी जगह पे कार्रवाई के लिए जाते हैं, फिर ही आती है। पता नहीं किस जहाँ की मखलूक है, एक समझ नहीं आ रहे हमें। हम हटाते हैं वो फिर आ जाते हैं, हम हटाते हैं फिर आ जाते हैं, और कुछ नहीं है। आवाम क्यों आपके साथ ताउन नहीं करती? बस अल्लाह इनको हिदायत करे, हमारी भरपूर यही कोशिश है। आप देख ले उधर सब्जी वाले तमाम ऊपर खड़े है, अपने डिसिप्लिन में हम लोगों ने खड़ा किया, तरतीब से खड़े है, रोड भी बंद नहीं है, हम लोगों को रोड भी चल रहे हैं। ये रेडियो वालों से और गाड़ियों वालों से क्या दरख्वास्त करना चाहते हो? बस यही, बस इनको अल्लाह हिदायत करे और तरतीब से खड़ा करे। अभी ये गाड़ी सामने आपके सामने खड़ी है, ये भी ये तरतीब सही नहीं है। इनको हम बता रहे हैं तमाम गाड़ियाँ खड़ा करना है, नीचे खड़ा करे ताकि अगले को रुकावट ना हुए। कोई पैगाम? बस यही है कि हमें यही पैगाम देना चाहते हैं कि भाई ये रेडियो को, रेडियो वालों को खासकर, कि खड़े रहो, खड़े से हम लोग मना नहीं करेंगे लेकिन कोई तरीका कार होना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ जो सोशल मीडिया के बहुत मशहूर शख्सियत मुमताज चाचा मेरे साथ मौजूद है, वो महंगाई के हवाले से क्या कहता है? नाजरीन बात ऐसा है, अच्छी तरह बात सुनो। एक पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, ट्रक का किराया डबल हो गया है, ये नंबर एक। दूसरा ये आलू प्याज सब्जी वालों का यूरिया खाद ये बीज मिर्च सारा महंगा, इसीलिए जमींदार लोग भी परेशान, मार्केट वाला भी परेशान, लेने वाला भी परेशान। अभी सारा पाकिस्तान परेशान परेशान है, अभी हम लोग रेडी वाला क्या करे? ऐसा ईमानदार हम लोग नहीं है, उधर लेवे 100 का देवे 90 का, ऐसा ईमानदार रेडी वाला नहीं मिलेगा। अभी हम लोगों का बच्चों का खर्च है, घर का किराया है, हम लोग खाम खाम 10-15 रुपया दड़ी में मुनाफा लेगा। अभी आप लोग बोलते हैं रेडी वाला ठग है, जालिम है, धोखेबाज है, हम लोगों ने 20 दफा कसम उठाया है, मार्केट में सस्ता हो गया हम लोग सस्ता देगा, उधर महंगा हो गया हम लोग महंगा देगा। ये हमारा सबक याद करो। दूसरा सारे लोग भाई नमाज पढ़ो, तोबा करो, दिन पर दिन परेशानी ज्यादा होता है, खुशी नहीं है, गम गम में दिन गुजर जाता है। रश क्यों नहीं है? रश इसीलिए नहीं है, अभी लोग बहुत होशियार हो गया, 10 जगह पूछता है फिर वापस आता है, इधर पूछता है उधर जाता है, उधर पूछता है उधर जाता है, जिसका सस्ता हो गया गुजारे वाला हो गया फिर वापस आता है, इसीलिए गड़बड़ है, उधर भागो उधर भागो, घर वाले लेने वाला भी बहुत परेशान है। बस अल्लाह सारा मुसलमानों का खैर करे। अच्छा गुजारा हो जाता है आपके रेडी से? हम लोग का ऐसा वाई रोजी है, कभी दरियाब है कभी खरियाब है, लग गया तो बेड़ा ही पार है, नहीं लग गया तो बिस्तर स्टेशन में है, हम लोग का ऐसा काम है। कोई पैगाम दो सरफराज बुक्टी साहब? बुक्टी साहब भाई उसको लाख लाख सलाम है, बहुत ईमानदार वजीर आला है, दूसरा खजाना खाली है, वजीर आला आपको किधर सस्ता देगा। पिछला साल बिजुंजो साहब था, 1400 का पार्सल था, अट्ठे का बोरी खजाना भरा हुआ था, बिजुंजो का दोनों हाथ गुड़ था, माना उर्दू में बोलते घी में था। अभी बुक्टी साहब का ऐसा ड्यूटी आ गया, उधर खजाने में 1 रुपया नहीं है, जिसको बोलो 2400 है सब भाग जाता है, आदमी बोलते पुराना इसका दुश्मनी है। अभी पहले 1400 का था, इतना सारा लाइन लगा हुआ था, ट्रैफिक बंद था, अभी बुक्टी साहब क्या करे, गरीब को पैसा नहीं है, आधा कीमत में वजीर आला किधर देगा। इसीलिए वजीर आला को हम बोले जब आपका चक्का मक्का लग गया भाई अट्ठे को 1400 करो, 20 किलो का 1400। आप इधर महंगा बाजार आए हो, सस्ता बाजार नहीं गए, क्या वजह? सर हम तो गया लेकिन जो उधर जो है वो सस्ता चीज़ें मैंने लेना लेने के लिए गया तो उधर जब पूछा प्याज का, सिर्फ प्याज तो सबसे मेरे ख्याल में जो है अभी महंगा जो है प्याज है,
लेकिन वो वाला प्याज दिखाए जो बिल्कुल जो है उसमें साल में डालने के काबिल भी नहीं है, मतलब क्वालिटी सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है बिल्कुल जो है, यानी इस प्याज की बिल्कुल सालने के काबिल भी नहीं, डालने के काबिल भी नहीं है। लेकिन मतलब मैं तो जब इधर आया मैं इसीलिए आया नवा के लिए से कि इधर सस्ता बाजार लगा हुआ है, लेकिन सस्ता बाजार पेट्रोल भी ज़ाया होगा। मोटरसाइकिल पे हो? मोटरसाइकिल पे आया हूँ। तो आपने 200-300 का तो पेट्रोल ज़ाया किया सर, जब किया तो मैंने यही सोचा था कि जब इधर सस्ता बाजार जाऊँगा तो 300-400 रुपये बचा करके जो है पेट्रोल डालूंगा, लेकिन उल्टा हमसे जो है 300-400 रुपये और नुकसान हो गया, लेकिन हमने सस्ता चीज़ इधर नहीं लिया है। डी सी साहब यहाँ पे विजिट नहीं करते सर? मैं तो यहाँ इसी इलाके का ही नहीं हूँ, मैं नवा के लिए का हूँ, लेकिन पता तो इन लोगों को होगा जो इधर रह रहे और इधर ये लोग। यहाँ पे क्वालिटी कैसी? ये तो बस ये है कि बस ये इनके रहम पे करम पे हम लोग को छोड़ा हुआ है, ये जितना बताए तो हम लोग तो मजबूर होएंगे। रमज़ान का महीना है तो बगैर सालों के आदमी तो रोटी नहीं खाता। फराज बुक्टी साहब से क्या दरख्वास्त करना चाहता? बस मेरा ये दरख्वास्त है कि सर फराज बुक्टी साहब जो है वो आवाम के लिए जब अगर सस्ता बाज़ार लगाता है तो ये सस्ता बाज़ार जो है उनमें सस्ता चीज़ें भी मिलना चाहिए, ये नहीं कि नाम सस्ता बाज़ार है लेकिन उधर एक तो बिल्कुल उधर आइटम है नहीं, बिल्कुल आप ऐसा समझो कि न होने के बराबर है, लेकिन है तो फिर वो कोई फ़र्क नहीं है, बाहर की जो चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं है। और जो चीज़ देते हैं इधर से जो 20 रुपये या 40 रुपये का फ़र्क होता है वो ऐसा चीज़ है कि बिल्कुल लेने के काबिल ही नहीं। तो इससे दरख्वास्त यही है कि वज़ीर आला साहब से कि आवाम के लिए जो ऐसा बाज़ार सस्ता बाज़ार आवाम के लिए जो है लगावे कि उधर सस्ता चीज़ें भी मिले और अच्छे क्वालिटी वाली चीज़ें मिले। सस्ता बाज़ार में जो क्वालिटी वाली चीज़ नहीं है तो फिर सस्ता बाज़ार का मकसद क्या है? आप क्या कहते? जी सर, किस बार आप किस लिए हुए आप यहाँ? सब्जी के लिए। तो सस्ता बाज़ार से क्यों नहीं खरीद? सस्ता बाज़ार भी समझो बात एक ही है, यहाँ पे भी एक बात एक ही है, रेट एक ही है, रेट एक ही है, कोई फ़र्क नहीं। आप क्वालिटी सही नहीं, आपकी क्वालिटी सही है? क्वालिटी यहाँ पे यहाँ वाला क्वालिटी फिर भी सही है। जी हाँ। तो क्या ख़रीदा आपने? बस अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा है, अभी तक तो बस ऐसे रेट है, फिलहाल तो पूछ रहा है, गरीब बंदा है, समझ में। अगले साल की नस्बत इस साल महंगाई कितनी ज़्यादा है? महंगाई तो बहुत सर ज़्यादा हो गया है, अगले साल भी महंगाई था, इस साल भी महंगाई है। हम लोग मजदूर बंदा है। क्या करते हो? हम लोग ये बस मजदूरी करते हैं, गुजर सफ़र करते हैं और तो कुछ नहीं है। जी हाँ। आप? मैं कहना चाहूँगा वज़ीर आला सरफराज बुक्टी से अपील करता हूँ कि महंगाई का दौर है, गरीब आवाम मर रहा है, आटा 2400 रुपये का बोरी है, इधर इधर से इधर लोग आ रहे, इधर भी लोग परेशान है, उधर भी लोग परेशान है, क्या कर रही है हुकूमत? आया है तो गरीबों का ख्याल रखे, हुकूमत आया है तो आवाम का ख्याल करे, हर चीज़ महंगा है, गरीब आवाम किधर जावे? आज साहब क्या लिया है आपने? मैं सब्जी ले आया था। लिया या नहीं खरीदा? नहीं अभी तक खरीदा नहीं है सर, महंगा है। कैसा है रेट? रेट सर 300 रुपये भिंडी है सर। सस्ता बाजार गए उधर पूछा? बाजार में तो खत्म हो गया, कोई चीज़ भी नहीं है सर। क्या वजह है? वजह ये है कुछ भी नहीं है सर उसमें। पिछले साल की नस्बत इस साल महंगाई ज्यादा है या वही है? ज्यादा है सर, पिछले साल से ज्यादा है महंगाई। तो क्या दरख्वास्त करना चाहते हो सरफराज बुक्टी साहब से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ें सस्ता होना चाहिए, गरीब आदमी बहुत मजबूर बहुत परेशान है, इसीलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग बहुत परेशान है भाई। बस इससे मैं गुजारिश करता हूँ कि चीज़ें सस्ता होना चाहिए, इतवार बाज़ार में भी सस्ता होना चाहिए चीज़ें, और इस टाइम तक कोई सब्ज़ी उधर कोई चीज़ नहीं है, आप तंबू जा के देखें खाली है उधर, सस्ते का सिर्फ नाम है, उसमें एक 20 रुपये कमी है, सस्ता बाज़ार में जो है ना 20 रुपये का क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी भी सही है मानता हूँ मैं, मगर कमी उसका कम कम नहीं है, जितना कम होना चाहिए इतना नहीं है, 20 रुपये उसमें कम है। अभी जो आप 200 रुपये की चीज़ ले इधर लेते हो उधर 20 रुपये कम है। तो 20 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है सर, 20 रुपये क्या है इस महंगाई में? गरीब के लिए अगर वो कुछ चीज़ें मतलब टमाटर ले और भी सब्जी ले तो 100-200 तो उसके लिए रिलीफ मिल जाएगा। हाँ ये तो है, ये रिलीफ है मानता हूँ मैं, मगर इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा रिलीफ होना चाहिए गरीब आदमी के लिए। इस वक्त मैं पोल्ट्री फार्म में खड़ा हूँ, इनसे पूछते हैं रेट का, क्या रेट है? 610। अभी तो जब कैमरा ऑन नहीं था आपने 640 बताया। 640 वाला अलग चीज़। वो कौन सी चीज़ है? वो सिर्फ गोश्त। गवर्नमेंट रेट नहीं लगाया आपने? लगाया। क्या रेट है? 607 है। तो वही 610 और 607, 2-3 रुपया हम लोगों के पास खुला नहीं होता है सर। 3 रुपया खुला नहीं होता और आपने 640 बताया पहले। 640 रुपया सिर्फ गोश्त। सिर्फ गोश्त। तो ये क्या है, आप क्या देते हैं?
कोटा का लीजिए कैसा, 610 पे, 610 रुपये, ठीक है। देखते हैं और भी लोगों से ये रेट मालूम करते हैं, गोश्त की दुकान पे भी जाते हैं, वहाँ पे क्या रेट है, हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रेट क्या है गोश्त? 608, 608 रुपये। कुछ दुकानें वो 640 का, 630 का। डीसी साहब आए यहाँ पे इस तरफ? साहब आए, असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए परसों। कब आए थे? पड़े परसों। तो किसी को जुर्माना किया यहाँ पे या सब को किया है? कितना जुर्माना किया? 15,000, 10,000, 20,000। वजह क्या थी जुर्माने की? रेट वो ज़्यादा भी महंगा बेच रहा। अभी आप 608 का दे रहे हो? 608 दोनों रेट लिखा हुआ है, ग्राहक भी खड़े पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत? गोश्त कितना का दे रहे हो आप, बड़ा गोश्त? बड़ा गोश्त 800 और 700, 800 बगैर हड्डी वाला और 700 हड्डी वाला। बगैर हड्डी वाला? अच्छा, 900 बगैर हड्डी वाला और 800 हड्डी वाला जी। और छोटा गोश्त? 1700 जी। आपका रेट कम है, बाकियों का तो सिर्फ लगाया, उन्होंने रेट लगाया मगर कम नहीं दे रहे, क्या वजह? सर दरअसल बात यह, अभी गवर्नमेंट का रेट है, फिर रोजे भी चल रहे और हम लोगों ने बस यही रेट रखा है, जो गवर्नमेंट बोल रहा है उसी रेट पे दे रहे। इस रेट से आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, नुकसान हो रहा है। महंगा है माल, बहुत महंगा है। कहाँ से लाते हो माल? माल इधर ही क्या नाम है, बाईपास मंडी से लाते हैं या सब्जल वाले से लाते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हो? बस गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि भाई ये माल जो कराची जा रहे, लाहौर जा रहे, इसको बंद करें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नाम क्या है? नाम मोहम्मद तैयब। अच्छा, आपने रेट लगाया 1700 रुपया छोटा गोश्त, 1700 का दे रहे हो, क्योंकि हमने लोगों से पूछा ये 1700 कब दे रहे हो? सर 1700 में गोश्त मिलता है, लेकिन वो गोश्त में फ़र्क होता है। अच्छा चीज़ जो है सर, आज मैंने काटा हुआ है 2000 हमारे घर में खुद पड़ा है यही गोश्त, ताकि बड़ा गोश्त जो है इन लोग ने 900 रुपये ऑर्डर दिया हम लोगों को, यकीन करो 1200 रुपये हम लोग इधर कभी कभी बेच देते हैं, अच्छा चीज़ देते हैं। और अड्डी वाला गोश्त जो है ना वो 600-900 लगा है, वो जो है इधर हम लोग बेचते हैं तकरीबन 1000 रुपया, इधर 5000 रुपया होता है, अच्छा चीज़ वो जैसे ये गोश्त देख रहे हैं, ये 1000 रुपया हमारा घर में खुद पड़ा है ये चीज़। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ से माल सस्ता करें? माल जो है गवर्नमेंट को हम लोग का था कि हम लोग का साथ था, गवर्नमेंट करे कि उधर मंडी से माल सस्ता करे, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान जो है यहाँ जो है माल सारा जा रहा है। तो ये माल अफगानिस्तान और ईरान जा रहा है और यहाँ पे लोग तरस रहे गोश्त खाने के लिए। मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की, उन्होंने कहा हमने पाबंदियाँ लगाएंगे, मगर कमिश्नर साहब ने अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगाई। हमारे कमिश्नर साहब हैं नाजरीन जिन्होंने कहा कि हम पाबंदी लगाएंगे, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब हम उससे दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम ये जो माल मवेशी जा रहा है अफगानिस्तान और ईरान, वहाँ पे अगर रोक ले तो ये फिर क्या रेट होगा अगर वहाँ से माल रुक जाए, यहाँ से अगर वहाँ जाना रुक जाए? वहाँ जाना रुक जावे सर, यकीन करो यहाँ जो है गोश्त हड्डी वाला यहाँ 600 रुपये पे पड़ जाता है, बगैर हड्डी, बगैर हड्डी 800 रुपये गोश्त इधर फरोख होएगा जी। नाजरीन, हमजा शफकात साहब से मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये माल जो माल मवेशी जो अफगानिस्तान ईरान जा रहा है उनको अगर रोक ले तो यहाँ पे लोगों को रिलीफ मिलेगी, क्योंकि क्वेटा और बलूचिस्तान की आवाम बहुत गरीब हैं। तो हमजा शफकात साहब को मैंने काफ़ी दफ़ा टेक्स्ट भी किया और उनको फ़ोन भी किया, उन्होंने तो यकीन दहानी कराई कि हम जो है इन पे अमल करेंगे, मगर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं फिर दरख्वास्त करना चाहता हूँ हमजा शफकात साहब जो कमिश्नर है क्वेटा सिटी के, डीसी साहब से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि काइंडली कुछ बलूचिस्तान और क्वेटा की आवाम पर कुछ रहम करें। और भी जाते लोगों से इस हवाले से तसरात हमारे साथ जी। आटा कितना बोरी लिया आपने? ये मैंने 2 थैला आटा लिया है। थैला कितने का मिला? थैला 2400 का मिला है। इसमें 2400 का सस्ता था या महंगा है? महंगाई को अगर देखा जाए तो 2400 रुपये भी महंगाई है। कहाँ से ली है? ये इधर ये जैंट रोड पे जो है सस्ता बाजार, उससे ली है। तो बाजार में क्या रेट है? बाजार में मेरे ख्याल 2900 रुपये एक थैले का चल रहा है। 500 रुपया फिर भी रिलीफ मिली आप? रिलीफ है शुक्र अल्लाह का इस पर भी, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे भी मजीद कम होना चाहिए, लोगों के बस में नहीं है इतना, ये 2400 में भी खरीदना लोगों के बस में नहीं है अभी। सस्ता बाजार में रश नहीं था, क्या वजह? रश उधर गिनती की चीज़ें पड़ी थी, जो चीज़ें अभी मैंने यहाँ से गोश्त लिए है मेरे ख्याल है गोश्त में 30 रुपये का फ़र्क है, बाकी जो है टमाटर उधर 80 रुपये का था, इधर जो है भी 80 रुपये का है, 90 रुपये का चल रहा है, मतलब इतना फ़र्क नहीं है। और उधर है भी क्या, बिस्किट है, टमाटर है और बस यही चीज़ें। क्वालिटी कैसी थी? बाकी उन चीज़ों का मुझे नहीं पता, बड़ा गोश्त था लेकिन वो काम का नहीं था, हड्डी के साथ दे रहे थे, काम का नहीं था वो गोश्त।
अभी सरफराज बुगटी साहब आए हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, क्या उम्मीदें हैं उनसे? अभी तो नए तो आते साथ ही बड़े जो है लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं। अल्लाह करे जो बातें ये कर रहे हैं उस हिसाब से लोगों को उस तरह रिलीफ मिले। लोग बहुत मजबूर हैं, अभी जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं अल्लाह करे वैसी हो, आगे जाके भी ऐसी हो। जी क्या ख़रीद रहे हैं? बस माल्टे चीकू कुछ फल फ्रूट ख़रीद रहे हैं रोज़े के लिए। तो अब ये है माशाल्लाह पहले से कुछ मुनासिब रेट हैं, पहले तो रेट कम है। हाँ अब कुछ मुनासिब है, मतलब कम तो नहीं है लेकिन मुनासिब। क्या रेट है माल्टे का? माल्टे का 80 इसका लगाया है और 120 उसका लगाया हुआ है। पहले क्या रेट थी? पहले जो था ये जो था 120 ये दे रहे थे, 150 तक वो था। तो अभी कुछ कम हुआ है रोज़े में? कम है, अब मुनासिब है रेट, जो मतलब ख़रीद सकते हैं इस तरह। सस्ता बाजार गए? नहीं सस्ता बाजार नहीं है, टाइम ही नहीं होता है। सरफराज बुगटी साहब को क्या पैगाम देना चाहते हो जो वज़ीर आला है अभी, क्या करेंगे वो बलूचिस्तान की आवाम के लिए? सुनकर ये कहना चाहता हूँ कि आवाम की जो है खिदमत करें, आवाम से दुआ लें, क्योंकि असल आने के इनका मकसद ही आवाम के लिए होता है कि हम आकर आवाम की खिदमत करें और अच्छा मतलब वो करें, क्योंकि आवाम के वोट से ही आना होता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आइंदा के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे। लोग आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है कि महंगाई के हिसाब से, महंगाई की, महंगाई तो देखो अभी आलू सस्ता है ना, सीज़न का हिसाब चलता है, ये तो आलू अभी सस्ता है, अब ले लो 50 रुपये। आलू कितना का है? 50 रुपये किलो। पहले कितना का? जब सीज़न में नहीं होगा तो 100 रुपये में मिलेगा, ये तो कारोबार है। और सीज़न भाई आप क्या आलू बेचते हो? नहीं हम तो और कारोबार करते हैं। क्या करते हो? हमारा दूध की सप्लाई है। दूध कितना का है लीटर? लीटर इस टाइम हम 150 का दे रहे हैं। ये हमारा 150 का दूध है जी, हम होटल वाले को सप्लाई देते हैं रमजानों में। हमारे प्योर दूध है जी, पानी तो हम होटल वालों को देते हैं वही दूध है जो आप चाय वाले को, पूरे पाकिस्तान में चाय पी जाती है उसी होटलों का दूध है ये। होटलों में तो हम चाय पीते हैं, सही दूध नहीं होता। हाँ तो ये पर वही है, वही दूध है। उसको सही कह लें या गलत कह लें, क्या पैगाम देना चाहते हैं वज़ीर आला साहब? वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे वो पिशावर का वज़ीर आला है ना, अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान में ऐसा ले आवे। हमने क्या किया 40 साल में आज तक वो ऐसा वज़ीर आला नहीं देखा। उसने इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा दी है, उसने जो रिश्वत लिया उसको सर फाड़ दो, तो बहुत अच्छे है, उसको मेरा सलूट है दोनों सलाम से। अमीन गंडापुर जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा वज़ीर आला कहते हो। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को भी इसी तरह होना चाहिए? नहीं नहीं आने वाला कोई भी हो, चाहिए वो अल्लाह इनको हिदायत दे। हमारे साहब तो बहुत अच्छे इंसान है और सिंसियर हैं वो, अगर इस तरह कुछ दिखावे तो फिर वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। फिर तो अब कुछ नहीं दिखाए तो फिर तो जैसे पिछले हम तो 40 साल से देखते हुए आ रहे हैं, मैं 40 साल में कराची में रहा हूँ, अभी दूसरा साल है मैं इधर आया हूँ। इस तरह वज़ीर आला जैसा भी आए ना, तहरीक इंसाफ का किसी पार्टी का भी हो, किसी का भी हो, मगर आवाम के लिए फ़ायदेदार हो, हमें वो चाहिए। अभी तो अमीन गेंडापुर ने बात की है, प्रचकल तो नहीं दिखाया अभी तक। हाँ ये बात भी सही है, अमली काम दिखाती हो जाते हैं मगर अमल दरामद कुछ नहीं। तो सरफराज बुगटी साहब ने भी किया, डॉक्टर्स को बरतरफ किए, टीचर्स को बरतरफ किए, ये अच्छा काम किया उन्होंने, ये बहुत अच्छा काम किया। जो हाजिरी नहीं दे रहे थे उनको आगे पीछे कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छे कोई भी है कोई काम ये भी अच्छा कर रहे हैं। सस्ता बाजार आप नहीं गए यहाँ पे खरीदारी कर रहे हो? सस्ता बाजार में कोई चीज़ भी सस्ता नहीं है, सिर्फ नाम का सस्ता बाजार है और कोई चीज़ मिलता ही नहीं है। यहाँ पे आलू मिल जाते हैं, टमाटर बाहर से मिल जाते हैं, सब्जी बाहर से मिल जाता है, अंदर जो चीज़ें पड़े हुए तो बहुत पुरानी चीज़ें। पुरानी कैसा? सब्जी में भी पुरानी, एक हफ्ते पुरानी पड़ी हुई और वो इस तरह सड़ी हुई है बिल्कुल, घर ले जाओ तो भिंडी पकती ही नहीं है। जो चीज़ उठाओ टमाटर उठाओ वो पुराना है या तो कच्चे टमाटर है, इस वजह से कोई चीज़ ऐसी चीज़ है नहीं जो हम लोग ले उठाए। रेट में फ़र्क है? रेट में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कितना फ़र्क? बाहर जो चीज़ें मिलते हैं वो ताज़ा चीज़ें और जो अंदर चीज़ें वो बिल्कुल वही हिसाब है। सस्ते भी हैं? सस्ते नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ है, वो भी वही हिसाब लगा रहे। क्या पैगाम देना चाहते हैं वज़ीर आला साहब? वज़ीर आला साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप खुद ही आके एक दफ़ा देख लें, सस्ता बाज़ार को देख लें, आप खुद ही कुछ डिसाइड कर लें। आप डॉक्टर अस्पताल और ये डॉक्टरों के पीछे जा रहे हैं, ये सस्ता बाज़ार कुछ सस्ता ही कर दें, कुछ सामान सस्ता हो तो गरीबों की कुछ भला हो जाएगा। थैंक यू। क्या खरीद रहे हो? बस यही सर, फ्रूट व्रूट लेने आए। कैसा है रेट? रेट तो खैर इन बेचारों को हम क्या बोल सकते हैं, जो बड़े स्टोर्स वाले हैं ना पकड़ना तो उनको चाहिए, जो वो ड्रामे कर रहे हैं जिस तरीके से वो फिल्में करते हैं ना, पकड़ना तो उनको चाहिए। आइए कितना कमाएगा, 20 रुपये ज़्यादा कमा लेगा, 10 रुपये ज़्यादा कमाएगा या 30 रुपये ज़्यादा कमाएगा, इससे अगर भी किराए को होगा
असल में तो वो जो करोड़पति बैठा हुआ है ना, जो ब्लैक को व्हाइट कर रहा है ना, पकड़ना तो उसको चाहिए कि जो ड्रामे वो कर रहा है, जो सीन वो कर रहा है। क्यों नहीं पकड़ती गवर्नमेंट यार? गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए ना गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट के साथ हम बात करेंगे तो कल को तो फिर हमें ही पकड़ लेगा गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट के साथ कौन बात कर सकता है यार? सस्ता बाजार लगा है, विजिट किया आपने? यार सस्ता बाजार में होता क्या है? सस्ता बाजार में सारे पुराने चीजें होते हैं, जो चीजें सारे पुराने आ जाते हैं ना वो ला के सस्ता बाजार में रखा जाता है, जो बिल्कुल यूजलेस होते हैं। जो जैसे ईरान का जो प्याज वगैरह आते हैं ना, वो सारे यही चीजें उधर पड़े होते हैं। जो अच्छा है सही, मतलब क्वालिटी नहीं है सस्ता नहीं, नहीं नहीं, उसका तो मजा ही नहीं है। वो सस्ता लेने से बेहतर ये ले लो, अगर ये आप 3 दिन तक खींच लोगे ना तो आप 3 दिन के बाद वो सड़ जाएंगे। एक दिन तो अभी भी सड़े हुए थे सर। वो तो मैं यही कह रहा हूँ ना, वो तो अभी भी सड़े हुए। अगर मिसाल मैं 1 kg ले रहा हूँ, मेरा छोटा सा फैमिली है तो मुझे 2 दिन आराम से खींच लेते हैं, उधर से मैं ले लूँगा तो एक आधा किलो तो मेरा ज़ाया हो गया। तो इस वजह से ना वो तो बिल्कुल फजूली है। मुफ्ती साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं वज़ीर आला जो हमारे अभी आए हैं, क्या उनसे क्या उम्मीद है आपकी? यार उम्मीद तो हमें किसी से भी नहीं है। उम्मीद पहले भी बहुत लोग आए गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, इनसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। हर कह रहे हैं हम गुरबा को जो है जॉब देंगे और करप्शन ख़त्म करेंगे। यार देखो ये लोग 450 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है ना? 450 अरब रुपए, 450 अरब में आप जो है ना 450 फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकते हो। 1 अरब में 1 फैक्ट्री नहीं बन सकता। आप फैक्ट्रियाँ लगाओ ना, आप हमें भीख मांगने के लिए क्यों लेके जा रहे हो? आप हमें भीख मांगने के लिए नहीं लेके जाओ ना, आप हमें रोजगार दो। यहाँ पे बलूचिस्तान में कितने जमीनें आपको चाहिए? आपको इतने जमीनें मिल जाएंगे, आप सबको रोजगार दो। हमें किसी तरह आपका रिलीफ कोई भी नहीं चाहिए, रिलीफ आप अपना रखें अपने पास, आप हमें रोजगार दे दें। जो बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी खत्म करें, बाकी रिलीफ हमें चाहिए नहीं है। रिलीफ का हमने क्या कर रहे हैं? आप हमें भीख पे सिखा रहे हो, आप हमें जो है ना यहाँ वहाँ से मतलब जुगाड़ पे सिखा रहे हो, वो हमें नहीं चाहिए। आपने करना है, आपका कोर वादा है, आप हमें रोजगार दें, जो बेरोजगारी है वो खत्म करें। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की इसने कि हमें रिलीफ ना दे, हमें रोजगार दें। प्रोग्राम रोज स्पेशल में अपने मेजबान नदीम शाह को क्वेटा से दे दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।